गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले वीडियो में हम आपको 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया था, राइट? फिर 1.1 हो गई, 1.2 एक्सरसाइज, तो 1.3 एक्सरसाइज आज हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। सेकंड जो क्वेश्चन वो है हमारे पास 1/11। अब ये 1/11 जो क्वेश्चन हमारे पास है तो इसमें हमें ये बताना है कि किस टाइप का डेसिमल बेटा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करो। सबसे पहले बात करें कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 1/11 है हमारे पास, तो 1 को आप 11 से डिवाइड कर दो तो डिवाइड होगा ही नहीं। 1/11 मींस रेशनल नंबर है, बट कैसा रेशनल नंबर है? तो देखिए पॉइंट लगाओ, यहां जीरो, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, यहां जीरो लगा दो और 11 9 99, फिर वापस वही 1 आ गया जो हम डिवाइड कर रहे थे, वापस वही पॉइंट लग रहा, जीरो बढ़ाओगे यहां जीरो बढ़ाओगे यहां जीरो बढ़ाओगे फिर वापस वही आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि वापस वही हमारा, तो यानी कि हमारा जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो 1/11 इक्वल टू 0.09 रिपीट है, 0.09 रिपीट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट है डेसिमल रेशनल नंबर, यानी आसान है, पहले संख्या का दशमलव प्रसार आसान है, जब हिंदी में लिखेंगे हम पहले संख्या का दशमलव प्रसार आसान अशांत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चंस में हमारे पास जितने भी हैं 6 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि कैसा तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि शांत है या अशांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस को इसी प्रोसेस इसी मेथड से आपको करना है। पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसका टाइम बताना है, डेसिमल है मतलब यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है या अशांत है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, दो क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें 1.7 की जो वैल्यू है वो गिवन है आपके पास में, 1.7 की वैल्यू गिवन है बेटे, 1.7। देखिए बेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास 0.14 2857 और ये रिपीटेड, तो ये रिपीटेड है हमारे पास। तो देखिए बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहां पर बात करें कि जब 1/7 की वैल्यू गिवन है हमें फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू 2/7 3/7 जो भी है और भी निकाल सकते हो आप। तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बेटा, 2 × 1/7 से यानी 2 × 2/7 और 2 × 1/7 एक ही बात है, मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लीकेशन पे चेंज कर दिया। अब यहाँ 2 × 1/7 की ऑलरेडी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 0.142857 और ये रिपीटेड साइन लगा हुआ है, तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, और ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, ये
ये 2/7 की वैल्यू आ चुकी है, 1/7 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आप 1/7 की वैल्यू का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है सेकंड थर्ड क्वेश्चन से आपके पास। अब आप बात करें कि हमारे पास देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन लिख रहा हूं उसके बाद आगे का क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। देखिए P/Q फार्मूला आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q, P/Q फॉर्मूला आपको लिखना है। आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q फॉर्म, यानी आपको इसमें जो नंबर है P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेशनल नंबर में बदलना है। 0.6 रिपीटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.6 रिपीटेड। सबसे पहले बात करें बेटा ये जो नंबर दिया है इसे आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, P/Q फॉर्म में बदलना है। तो हम इसे लेट x इक्वल टू 0.66 रिपीटेड, ये रिपीटेड का साइन इसको 0.6 है, मैंने एक बार 6 और लिख दिया, रिपीटेड का मतलब दोबारा लिखो, से कितनी बार भी लिख सकते हो आप, राइट। तो 0.66, अब 0.0 के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद जब ओनली 1 डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रिपीटेड भी देखना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर लेना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने का, 10 से पलटी गुणा करने, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने का, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दो बेटा, मल्टीप्लाई में 10, तो यहां 10 into x 0.66 यहां पर कैंसिल कर दो, 0.66 रिपीट है, तो ये आ जाएगा 10x और ये 6.66 रिपीट है, ये सेम इक्वेशंस आ गए बेटा। यहां 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये जो पॉइंट है यहां से ये आ जाएगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो पॉइंट 1 डिजिट के इधर खिसक जाएगा, 100 से कर लो तो पॉइंट 2 डिजिट के इधर खिसक जाएगा, समझ में आ गया बात। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो आप फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो 10x माइनस x 6.66 माइनस 0.66, तो ये 9x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, काट दो बेटा जब 3 की टेबल से 2 3 जा 2 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया 0.6 रिपीट है। अब बात करें कि आंसर कैसे चेक करें, तो आप ऐसा करो बेटा 2 को 3 से डिवाइड कर दो, इस 2 को 3 से, तो 2 डिवाइड बाय 3 है हमारा जो आंसर आया है वो है 2 डिवाइड बाय 3, तो आप पॉइंट लगाओ, देखिए वही क्वेश्चन वही आ गया, तो वही आता जा रहा है, तो ये 0.6 रिपीटेड आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
तो आप ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हो आपका आंसर रॉन्ग है या आपका आंसर राइट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड फोर्थ का फर्स्ट था। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड ले रहे हैं, सेकंड और समझा देता हूं फिर आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए फटफट थ्री का फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन से हमारे पास में क्वेश्चन है 0.47 रिपीट है, कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर। तो बेटा मैंने अभी क्या कहा था, तो देखिए लेट एक्स इक्वल टू 0.477 रिपीट है, तो ये रिपीटेड का साइन था, 7 रिपीटेड है, 47 रिपीटेड नहीं है, ये केवल 7 रिपीटेड है आपके पास। अब यहां पॉइंट के बाद अब आप देखो बेटा पॉइंट के बाद दो डिजिट भी और पॉइंट के बाद आपको रिपीटेड केवल 7 हो रहा है, तो आपको 10 से भी मल्टीप्लाई करना, 1000 से भी मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स, तो आपके पास 10 into x, 10 multiply 0.477, तो 10x is equal to 4.77, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 into x 0.477, तो 100 0.477, तो 100x आ जाएगा और ये आ जाएगा 47.77, ये सेकंड इक्वेशन आ रहा है, था ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये थर्ड है। तो वही लिखना है सबट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, आपको सेकेंड थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x माइनस 10x 47.77 माइनस 4.77, तो ये 90x आ गया और ये आपके पास आ जाएगा 43। माइनस कर दो बेटा, x इक्वल टू 43 डिवाइड बाय 90 और ये आपके पास आंसर आ गया 43 डिवाइड बाय 90। अब आप 43 को 90 से डिवाइड करके देखिए, तो 43 डिवाइड बाय 90, पॉइंट लगाओ, जीरो लगा दो आगे, तो यहां देखिए 47 360, माइनस करो 13 में से 7, फिर बेटा डिवाइड करो, पॉइंट लगी जाए, तो इस प्रकार से 7 रिपीटेड होता जाए। आंसर चेक कर रहे हैं, ये आंसर आ चुका है, अब इस आंसर को आप डिवाइड करके चेक कर लो, 47 को 90 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर ये आना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये 1.3 जो एक्सरसाइज है इसमें तीन चार टाइप के क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर। तो ये आपके क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन है, जैसे 5 है, क्लासिफाइड 9 है, 8वां है, 8वें क्वेश्चन को आप डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेना, बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बताना है। अब आपका 1.4 जो एक्सरसाइज है, वैल्यू लाइक 3.765 ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर प्रेजेंटेशन करना है, मैग्नीफिकेशन 1.4 एक्सरसाइज आपकी आज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए 1.4 में क्या है, कोई क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर बनी नहीं है, सेकंड आप खुद कर लोगे, दो ही क्वेश्चन से ज्यादा है नहीं।
तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है वैल्यू लाइक्स 3.765 ऑन द नंबर लाइन, यानी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना है। मैग्निफिकेशन देखिए बेटा, हमारे पास 3.765 नंबर है, यानी ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ये जो नंबर है ग्रेटर देन 3 पहले स्मॉलर देन दिस नंबर बिटवीन द 3 एंड 4 एंड दिस नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिए बेटे नंबर लाइन एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहां 3 से स्टार्ट कर लो, तो 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0। तो ये हमारे पास नंबर लिख दिया मैंने, तो ये 3.7 से ग्रेटर है, अधिक है, तो 3.7 3.8 के बीच में आएगा, ये आप मैग्निफिकेशन हो गया इसका। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करो, अब आपके पास दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब आप 3.70 क्योंकि ये नंबर ले लो आगे और लास्ट में, इनके बीच में 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78 3.79 और 4.00। तो ये जो नंबर है 3.76 से ज्यादा है, यहां भी 76 से ज्यादा है, और ये बेटा ये आप यहां रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये 76 से ज्यादा 78 से कम है। अब आप लास्ट लाइन इसकी 3.78 3.78 3 3.78 3 3.78 5 3.78 6 7 8 3.76 देखिए 3.765 3.7 3.761 3.762 3.763 3.765 3.7 थोड़ा सा दूर ले लो नंबर, 3.764 3.765 बाय 2 3 4 5 3.766 3.767 3.768 3.769 8 4.000। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन जो नंबर था वो नंबर आ चुका है मेरा, और ये नंबर रिप्रेजेंट हो चुका है, मैं ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया आपके पास। देखिए हमने क्या किया, बिटवीन द नंबर 3 एंड 4, तो मैंने यहां से 3 से नंबर स्टार्ट किया है 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा कहने का मतलब ये जो नंबर है 3.7 से ज्यादा है और 3.8 से कम है, तो आप इसका मैग्निफिकेशन कर दो। फिर 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3. ऐसे लिख दो बेटा, तो ये नंबर 3.76 से ज्यादा है
और 7-8 से कम है, तो यहां आप इसे नंबर लाइन पर रख कर क्वेश्चन कर दो और ये लास्ट नंबर आपका आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि रेजुलाइज 10.76 ऑन द नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, कोई भी नंबर आता है तो आप कर सकते हो, तो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो ये थी हमारी 1.4 एक्सरसाइज। अब 1.5 एक्सरसाइज है, नंबर 1 नंबर 1.5 एक्सरसाइज है। तो देखिए बेटा नंबर उसमें 5 एक्सरसाइज सिंपलीफाई है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है और रेशनल लाइन पर प्रवेग करना है। तो आप सबसे पहले 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, क्यों? तो उसमें तो ये दिया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल है, परमेय है या अपरमेय है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल ये बताना है कि ये दिया गई संख्या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है? ए अपॉन बी फॉर्म में, जो आपका नंबर ए अपॉन बी फॉर्म में है वो परमेय संख्या कहलाएगी, और जो ए अपॉन बी फॉर्म में नहीं है वो अपरमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर ऑफ द। तो ध्यान रखना बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा सरल करना है, सिंप्लीफाई है। दूसरे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई है, तो सिंप्लीफाई में जैसे कोई भी नंबर आ जाता है, क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं सिंप्लीफाई। तो देखिए कोई भी ऐड आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है सिंप्लीफाई में, जैसे क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 3+3 3+3 और 2+2। बेटा बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, तो 3 3 का मल्टीप्लाई से कर दिया जरा, फिर √3 × √2 √3 + √6 और यही आंसर बेटा, कोई ऐड नहीं होगा, इसमें नंबर सभी अलग अलग है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सिंपलीफाई था, ऐसे ही सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, √5 + √2 का होल स्क्वायर है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी आपको सिंपलीफाई करना है। तो इसको तो आप a + b के होल स्क्वायर से सिंपलीफाई कर सकते हो, आप इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² तो √5 + √2 होल स्क्वायर। तो जहां a की वैल्यूज है वहां √5 पुट कर दो, b की वैल्यू √2 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो, तो √5 का होल स्क्वायर +2 √5 √2 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों √5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा। कैसे आया? आप स्क्वायर से रूट भी कैंसिल कर सकते हो, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, √5 √5 20 √5 20 √25 का रूट निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां 5 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो √2 √10 बेटा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो +2, मान चल रहा है 2 कैसे आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो ये जो आपका आंसर है 7 + √2 √10 और ये आपका आंसर आ गया। तो ये 1.5 एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है, तो 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट आपको आज के वीडियो में करनी है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सिंपलीफाई है, नेक्स्ट आपको आगे वीडियो बताया जाएगा।